Hey guys, what's going on? और आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है यार आपके साथ. There are so many updates, so much going on in the gaming industry currently, but today we will take a sneak peek of real PS5 device. Official India launch date आ गई है guys. Then हम PS5 का UI देखेंगे जो कि सोनी ने कल ही रिवील किया है और उसमें क्या स्पेशल चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे. Then finally PS5 noise level and temperature को डिस्कस करेंगे. Lot of interesting thing to discuss today. वीडियो पूरी जरूर देखना guys. So let's get started. So सबसे पहले यार PS5 की इंडिया ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है. 19th नवंबर इज द लॉन्च डेट. आप देख सकते हो यार ये सोनी की ऑफिशियल वेबसाइट है और सोनी इंडिया की वेबसाइट है. ये .com नहीं है या कोई और कंट्री की नहीं है, .in वेबसाइट है, english.in. और इस पर क्लियरली मैंशन है नवंबर 19th 2020. सो गाइज दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी, फॉर यू, बिकॉज हम यहाँ प्ले स्टेशन का इतने दिनों से वेट कर रहे हैं. फाइनली 19 नवंबर हमें डेट मिली थी, बट दिस इज रियली अनप्रोफेशनलिज्म. मेरे पास वर्ड्स नहीं है बिकॉज मैंने 8 बजे के करीब वेबसाइट पे चेक किया था 19 नवंबर का जो डेट दिया हुआ था सोनी प्ले स्टेशन इंडिया पर. बट देन मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, ये वीडियो बनानी थी जल्दी से जल्दी. सो आई हैव रिकॉर्डेड ऑल द थिंग्स. देन मैंने 2 घंटे बाद मुझे किसी का मैसेज आया कि वो पेज रिमूव हो गया है, वो कम्प्लीटली है ही नहीं वेबसाइट पे, वो 19 नवंबर वाला पेज. आई चेक्ड एंड इट इज़ ट्रू दैट द पेज इज़ कम्प्लीटली गॉन नाउ. सो आई डोंट नो वो पेज क्यों तो लगाया सोनी ने और क्यों वापस हटा लिया है. सो हम इतना वेट कर रहे थे इस डेट का और वो एकदम से आई और चली गई. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस फ्रॉम सोनी. मतलब इंडिया के लोगों के लिए क्या ये मजाक कर रहे हैं सोनी. आई थिंक टाइम आ गया कि उनको अपना स्टैंस क्लियर कर देना चाहिए प्राइस से रिलेटेड, लॉन्च डेट से रिलेटेड, क्योंकि हितेश का मैटर भी काफ़ी टाइम से लंबा खींच रहा है और इंडिया के लोगों के पास, गेमर्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे रिलेटेड. सो ये ऑडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है रात में काफ़ी लेट और मैं इसे बीच में इंसर्ट कर रहा हूँ इसी वीडियो को. आगे का डिस्कशन हम इस वीडियो में एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे जो पहले रिकॉर्डेड था. सो दिस वॉज अ क्विक अपडेट फॉर यू गाइस. सो हम फटाफट यार आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके यूआई के बारे में जो कि कल ही रिवील हुआ है इवनिंग में एंड इट इज लुकिंग फैंटास्टिक. बिल्कुल स्मूथ और रियली नेक्स्ट जेन यूआई लग रहा है देखने से. बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है इसको देखने पर. ऐसा ओल्ड क्लंकी या क्लटर्ड यूआई नहीं लग रहा है. सो ये वेलकम स्क्रीन है यार. जैसे ही हम प्ले स्टेशन पे लॉगिन करेंगे, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे PS5 को, तो आपको अपने अकाउंट की लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे अगर आप मल्टीपल यूजर्स प्ले करते हैं उसी PS5 को तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा यूजर लॉगिन करना है. और लॉगिन होने के बाद वीडियो में हमें डायरेक्टली एक गेम के अंदर ले गए हैं. यहाँ पे हमें कंट्रोल सेंटर दिखाया गया है. हमें पहले गेम्स और गेम्स रिलेटेड जो फीचर्स हैं, जो कंट्रोल सेंटर हैं, कि आप गेम्स में कैसे कार्ड्स के थ्रू, जो बेसिकली इनको ये कार्ड्स बोल रहे हैं, कि कार्ड्स के थ्रू अलग अलग फीचर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो दिखाया गया है. यहाँ पर हमें सेवरल कार्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक है एक्टिविटी कार्ड जिसमें गेम्स की रीसेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या आपने खेला है, क्या आपने नहीं खेला है, क्या आपसे मिस हो गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है. जैसे कि गोल्स होते हैं किसी भी गेम्स में, या टास्क होते हैं, या मिशंस होते हैं, साइड गोल्स होते हैं, साइड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आपने कंप्लीट किए हैं या कोई आपसे मिस हो गया है, वो इस कार्ड में दिखाई देते हैं. इसी तरह से एक और कार्ड होता है जो रीसेंट कैप्चर कार्ड होता है, जो हम शेयर करने के लिए कुछ भी वीडियो कैप्चर करते हैं या इमेज कैप्चर करते हैं, वो इस कार्ड में आता है. और इसी कार्ड के थ्रू हम शेयर भी कर सकते हैं उससे डायरेक्टली, एडिट करके डायरेक्टली यहीं PS5 से शेयर कर सकते हैं अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, जो भी यहाँ पे अलाउड है उसे डायरेक्टली इसी कार्ड के थ्रू हम एक्सेस करके और उसे शेयर कर सकते हैं. एक बहुत ही नया और कूल फीचर है गाइस, गेम हेल्प. यार कई बार ऐसा होता है, आई एम श्योर आपके साथ भी होगा, हर एक के साथ होता है, कि हम किसी ना किसी एक लेवल पे फंस जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है. कोई पजल होता है या कुछ भी ऐसा होता है जो हम समझ नहीं पा रहे होते कि हमें कैसे सॉल्व करना है, तो हम यार क्या करते हैं, गेम को बंद करते हैं, फिर यूट्यूब पे जाते हैं और उसके रिगार्डिंग हम सर्च करते हैं कि यार कुछ हेल्प मिल जाए हमें, किसी और ने तो जरूर उसे कंप्लीट किया होगा, उस लेवल को क्रॉस कर लिया होगा, तो हमें उसको उसके गेम प्ले को देख करके और हेल्प मिल जाएगी कि क्या करना है. बट दिस फीचर इज़ नाउ इनबिल्ट बाय द गेम डेवलपर्स, कि हम गेम हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर. अगर हम किसी भी स्टेज पर या किसी भी लेवल पर अटक गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम गेम हेल्प कार्ड पे जा करके उस गेम से रिलेटेड, उस लेवल से रिलेटेड हम हेल्प ले सकते हैं. वो हेल्प किसी भी तरह की हो सकती है, कि रिटन इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं या वीडियो भी हो सकती है, हम उस वीडियो को भी देख सकते हैं साइड बाय साइड. इनफैक्ट इसमें पिक्चर एंड पिक्चर व्यू है यार गाइज. पिक्चर एंड पिक्चर व्यू में हम साइड में गेम हेल्प की वीडियो चला सकते हैं और साइड में अपना गेम भी खेल सकते हैं.
दिस इज रियली फैंटास्टिक गाइज। बट ये गाइज सभी गेम्स में अवेलेबल नहीं होगा, ये उसी गेम में अवेलेबल होगा जिसमें डेवलपर्स ऐड करेंगे गेम हेल्प। और ये गेम हेल्प उन्हीं यूजर्स के लिए होगा जिनके पास प्ले स्टेशन प्लस का सब्सक्रिप्शन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यार इस वीडियो को, इस ये वीडियो हेल्प है, इसको आप स्पेंड भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा है, ये गेम हेल्प आपको स्पॉयलर से भी बचाएगा। सपोज आप एक लेवल पे अटक गए और आप उस लेवल के लिए वेबसाइट पे गए या यूट्यूब पे गए हेल्प लेने के लिए, और आपको और उसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें भी जो स्पॉयलर्स हो सकती हैं वो भी दिख गई, तो आपका मजा ख़राब हो सकता है कि यार आगे की स्टेजेस और आर्टिकल्स में पता नहीं क्या क्या और लिखा हो सकता है जो आपको नहीं चाहिए उस टाइम पे, वो भी लिखा हो सकता है। गेम हेल्प होने से आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा जो आप सर्च कर रहे हो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको बिल्कुल ऑन द फ्लाई हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं पार्टीज फीचर, जो कि बहुत ही अच्छा एक नया कूल फीचर है, जिसमें आपस में फ्रेंड्स लोग अपना ग्रुप बना करके खेल सकते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि वो क्या खेल रहे हैं करेक्टली। हो सकता है कि मेरा फ्रेंड कुछ और खेल रहा हो अपने PS5 में, मैं कुछ और खेल रहा हूँ, हम एक दूसरे के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें दूसरा पर्सन अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी खेल रहा है, और ये दोनों प्लेयर आपस में एक दूसरे से चैट कर सकते हैं थ्रू हेडफोन या फिर ड्यूल सेंस कंट्रोलर में भी माइक है, एक दूसरे की वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज रियली कूल गाइस। नाउ यहाँ पे हमें फिर बताया गया है कि किस तरह से हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं या वीडियो कैप्चर कर सकते हैं टू शेयर विद आवर फ्रेंड्स, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें ड्यूल सेंस पर क्रिएट बटन को प्रेस करना पड़ता है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि स्क्रीनशॉट्स एंड वीडियो कैप्चर हो सकते हैं 4K रेजोल्यूशन तक, मतलब 1080p से 4K रेजोल्यूशन तक आप वीडियोस एंड अपने फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। सो रियली हाई क्वालिटी वीडियोस एंड स्क्रीनशॉट कैन बी कैप्चर्ड डायरेक्टली फ्रॉम दिस मेन्यू। अलग अलग गेम्स में आपको जाकर के उनके जो फोटो मोड्स हैं, ऑब्वियसली उनमें कुछ एडवांस ऑप्शंस भी होते हैं, बट किसी गेम में अगर फोटो मोड नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैप्चर करके शेयर कर सकते हैं। नाउ फाइनली हमें होम स्क्रीन दिखाई गई है। यहाँ ये PS5 की होम स्क्रीन है गाइज, हम PS4 की देखते आ रहे थे, फाइनली दिस इज द होम स्क्रीन ऑफ PS5। यहाँ पे आपको अपने सारे इंस्टॉल्ड गेम्स मिलेंगे, और UI आप देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर बॉक्सेस हैं विद अ स्लीक एनिमेशन अराउंड द कॉर्नर्स। हर एक गेम का अपना अलग टैब होगा जिसमें उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज जो आप करंटली जिस लेवल पे हैं उस गेम में, सारे कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, उससे रिलेटेड ऑफिशियल न्यूज सब कुछ आपको उस टैब में मिल जाएगा। और एक नया टैब है जिसे एक्सप्लोर बोला गया है यहाँ पर। इस एक्सप्लोर टैब में आपको गेम्स रिलेटेड सारी ऑफिशियल लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप जितने भी गेम्स को खेलते हो या जितने भी गेम्स को फॉलो करते हो, उन गेम्स रिलेटेड आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी, लेटेस्ट गेम्स क्या रिलीज हो रहे हैं, मतलब सब कुछ आपको इस एक्सप्लोर टैब में मिल जाएगा। सो गाइज, ये था ऑफिशियल PS5 UI रिवील जो कल हुआ था, एंड आई एम रियली एक्साइटेड, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PS5 नॉइज लेवल्स एंड हीट की। सो आज 16th अक्टूबर है एंड सोनी ने कुछ ही वीक्स पहले अनाउंस किया था ट्राई PlayStation 5 ऑन YouTube गेमिंग वीक इन जापान, जिसमें जापान के प्लेयर्स को एंड यूट्यूबर्स को PS5 डिवाइस ट्राई करने को दिए गए थे। एंड इसी की वजह से हमें काफ़ी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है PS5 से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें PS5 को काफ़ी करीब से देखने का मौका मिला है, कुछ हाई रेजोल्यूशन शॉट्स जिसमें एक्चुअल में PS5 दिखता कैसे है ये पता लग रहा है। ऐसा नहीं है कि PS5 को हमने पहले कभी देखा नहीं है, बट यार डिफरेंस होता है जो प्रोडक्ट एक्चुअल में जो दिखता है और जो प्रोडक्ट की 3D स्टूडियो वाली लाइटिंग विद ऑल मेकअप होती है ना, उसमें दिख जाता है, डिफरेंस होता है। अब ये हैं कुछ हाई रेजोल्यूशन इमेज। वैसे तो डिज़ाइन ओके सा है यार, क्या बोलूँ डिज़ाइन के बारे में, तो सबके अपने अपने वो हैं, बट इसका आगे का रिफ्लेक्शन छप्पर देखो यार, ऐसा लग रहा है किसी स्कूटी का हेडलाइट वाला एरिया हो, है कि नहीं, इतना शाइनी क्यों बनाया यार इन्होंने, इट लुक्स रियली चीप। और अब इस 3D रेंडर को देखो, कितना सोफेस्टिकेटेड सा, कितना बिल्कुल कंट्रोल्ड रिफ्लेक्शन और ग्लॉसी कम और ज़्यादा मैट लुक्स आया है, वो प्रीमियम वाली फील आ रही है इन 3D रेंडर्स में, जो कि एक्चुअल डिवाइस में नहीं आ रही, यही डिफरेंस होता है। नाउ जहाँ तक की बात है नॉइज लेवल और हीट की, तो इनिशियल रिएक्शंस आर गुड, लाइक रियली गुड। अकॉर्डिंग टू द 4gamers.net, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मेन बॉडी विद द कूलिंग मैकेनिज्म ऑफ PS5? आई स्टार्टेड प्लेइंग वन ऑफ द लॉन्च टाइटल्स गॉडफॉल, एंड आफ्टर प्लेइंग अ वाइल आई चेक्ड इट, बट द विंड कमिंग आउट ऑफ द एग्जॉस्ट वॉज जेंटल एंड डिडंट फील एक्सट्रीमली हॉट, एज दिस टाइम द टेम्परेचर ऑफ द स्टूडियो वॉज अबाउट 30 degrees। फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड SoC, it is considered that it operates around 55 to 60 degrees. When it comes to that, you might think, isn't the noise so great? But the opposite is true. As mentioned above, the exhaust was gentle and I could hardly hear what seemed to be a rotating noise of the fan. So it clearly states that noise level low hai, system jada heat nahi ho raha hai. They test the system under 30 degree room temperature. Of course, it will vary depending upon your room temperature, but abhi winter season aane wala hai.
सो हीट का ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। सो हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि यार सोनी का ये नया PS5 हमें कैसा मिलने वाला है। इसका डिज़ाइन तो हमें ऑफकोर्स काफ़ी पहले से पता था, बट फाइनली रियल में जब ब्रेंडर्स देखते हैं हम रियल में, उसमें डिफरेंस होता है रियल डिवाइस में जो एक्चुअल लाइटिंग कंडीशन होती है, और हम घर पे यार स्टूडियो वाली क्वालिटी नहीं होती लाइटिंग की, और जो एक्चुअली में हमें डिवाइस रिसीव होता है उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, एंड गाइज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय इस रिलेटेड न्यूज सुन करके। UI कैसा लगा आपको, UI में क्या, अगर आपको Xbox का अच्छा लगा तो वो बताएं, या फिर PS का अच्छा लगा तो वो बताएं, एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें यार, डेट विल बी रियली कूल। अब टाइम है आपसे टाटा बाय बाय बोलने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज जुबिन पंचोली साइनिंग ऑफ।